Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to discuss today section 195 to section 199. These sections are related to the conditions upon taking cognizance. Like when you take cognizance, what are the conditions that you have to follow? These sections are part of the Code of Criminal Procedure as we are doing this. So starting with the last section first, 199. सेक्शन 199 क्या बात करता है बच्चे, इट सेज द प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन. जब आपका डिफेमेशन का केस होता है, राइट, डिफेमेशन हमने आईपीसी में किया था, तो इसमें क्या बोला गया था, दैट कोर्ट ऑफ सेशंस कैन डायरेक्ट कॉग्निजेंस इन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. डिफेमेशन में कोर्ट ऑफ सेशन ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हैं. इन केस ऑफ डिफेमेशन इन आईपीसी, the magistrate will take cognizance upon complaint filed by the aggrieved person. Any person aggrieved by defamation shall file a complaint only and not FIR. इसमें FIR नहीं होती है, only complaint होती है, और complaint पर ही cognizance लिया जाता है. और cognizance लेने का right किसको है, court of session भी ले सकते हैं. If लाइक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर है, एमपीज हैं, एमएलए हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक फंक्शंस दे आर इनेबलिंग दैट कंप्लेंट मे बी फाइल्ड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन हाउ मेनी 6 मंथ्स. ठीक है, तो डिफेमेशन का केस अगर हम पब्लिक फंक्शन के नजरिए से देखें बच्चे, तो कंप्लेंट फाइल करने का टाइम आपका विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए विद परमिशन ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट. जिस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो वो. द कंप्लेंट कैन बी डायरेक्टली फाइल टू कोर्ट ऑफ सेशंस. ओके, सो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पर्सन लिस्टेड, जो पर्सन है, इन केस ऑफ में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करी तो इनमें कंडीशन क्या है कि पर्सन लिस्टेड होना चाहिए, देन इन पब्लिक फंक्शन होना चाहिए. After that, within 6 months, and permission of concerned government, with the permission of concerned government. So, if the person wants to file complaint himself, तो उनको कौन सा करना है, under clause 199 का clause 1 के according, magistrate takes cognizance. Cognizance is taken only on complaint. I am repeating it again. Complaint, then it goes to judicial magistrate. He takes cognizance and then he committed to the court of sessions. Okay, so this is our section 199. Now the section 198. Section 198 talks about prosecution for the offenses against marriage. Okay, offenses against marriage. तो हमारे आईपीसी में बच्चे ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज किस सेक्शन से आते हैं, 493 to 498. ये आईपीसी के सेक्शंस हैं जो ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज की बात करते हैं. तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें पुलिस रिपोर्ट शैल नॉट बी टेकन कॉग्निजेंस अपॉन बट ओनली ऑन कंप्लेंट. इसमें भी सिर्फ, जैसे इसमें कंप्लेंट है, इसमें भी सिर्फ कंप्लेंट के बेसिस पे ही कॉग्निजेंस लिया जाता है, राइट. सो अगर देखिए, इसमें पार्टी इफ अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स है, ल्यूनेटिक है, सिकनेस है या इन्फर्मिटी है, वुमेन है, तो इन सब केसेस में कंप्लेंट कौन दे सकता है, एनी अदर पर्सन आल्सो. तो ये इसमें कंडीशन है कि इफ 18 ईयर से नीचे है, ल्यूनेटिक है, सिकनेस है या वुमेन है, देन एनी अदर पर्सन कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट ऑन देयर बिहाफ. इफ लीव नॉट ग्रांटेड टू अ पर्सन इन डिफेंस, he will authorize someone else and a certificate by commanding officer has to be given. Okay, तो अब question आता है, what if the person is a wife, then she can't be applied as it applies to only husband, right. अब question उठता है बच्चे, liberal interpretation. Liberal interpretation ought to be given to clause B to remove any discrimination, else it would be unconstitutional. इसे clause B में डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करने के लिए लिबरल इंटरप्रिटेशन दी गई है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्ट लॉ गिवन, इट हैज टू बी कंस्ट्रूड लिबरली.
अब यहाँ पर जो बच्चे मैंने बात की है कि थर्ड पर्सन फाइल कर सकता है जिन केसेस में लाइक अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड ऑल द कंडीशंस, देन दैट थर्ड पर्सन कुड फाइल ओनली व्हेन द पर्सन इज रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन. ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज योर सेक्शन 198. नाउ अब आपके इसमें 497 जो सेक्शन है, दैट इज क्राइम अगेंस्ट हस्बैंड. सो अगर क्राइम अगेंस्ट हस्बैंड है तो उसमें क्या होता है, सपोज कीजिए इफ एच, एच इज द हस्बैंड, हस्बैंड रेप्स वाइफ, द वाइफ शुड फाइल कंप्लेंट विद इन 1 ईयर. उसको 1 ईयर में ही कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी अंडर CRPC. इट कुड बी कंप्लेंट दिस पुलिस रिपोर्ट एंड इन टू विद इन 1 ईयर, एल्स कग्निजेंस वॉन्ट बी टेकन. आई एम रिपीटिंग अगेन. सो इफ वाइफ इज बिलो 15 ईयर्स एज पर IPC, बट CRPC सजेस्ट दैट इट वुड बी 18 ईयर्स, बट सब्सटेंसिव लॉ विल प्रिज्यूम इट, सो इट इज 15 ईयर्स. तो 15 ईयर्स अगर वाइफ है और बिलो 15 ईयर्स इफ हजबेंड कमिट्स रेप, देन वो कंप्लेंट आपको विद इन 1 ईयर फाइल करनी पड़ेगी. ओके, द डाइकोटोमी स्टिल एग्जिस्ट इवन इफ इट्स विद या विदाउट कॉन्सेंट, इट वुड बी रेप. रेप कब? व्हेन वाइफ इज लेस देन 15 ईयर्स. सो इट शैल बी अ रेप, और आप रेप की एप्लीकेशन सॉरी दिस कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट जो भी होगी वो विद इन 1 ईयर फाइल कर सकते हैं. ओके, नाउ योर वन ऑफ द सेक्शन दैट इज 198B ऑफ CRPC, ठीक है, इसी का ही पार्ट है ना, 198B. 198B किससे रिलेटेड है बच्चे? कग्निजेंस ऑफ ऑफेंस. ओके, दिस वॉज एडिड बाय अमेंडमेंट, तो आप इसको रीड कीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क. सेक्शन 376B इन जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड. ओके, एंड इफ ही फोर्सफुली और विदाउट कंसेंट हैज सेक्शुअल इंटरकोर्स, 376B जो रेप से रिलेटेड ऑफेंसेज हैं उसमें अगर हस्बैंड इनका जुडिशियल सेपरेशन है एंड इफ ही कमिट्स रेप विदाउट हर कंसेंट फोर्सफुली, ये वाला केस, इसमें क्या होता है बच्चे, कग्निजेंस इज टेकन अप ओनली ऑन कंप्लेंट. इसमें सिर्फ कंप्लेंट होनी चाहिए और कंप्लेंट सिर्फ वाइफ द्वारा दी गई हो. कोर्ट हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट कंसेंट ऑफेंस वॉज एक्चुअली कमिटेड, प्राइमा फेसी सेटिस्फैक्शन ऑफ द फैक्ट्स, एक्स्ट्रा कॉशन हैज टू बी टेकन, सब कुछ देख के, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टाइप के क्राइम्स होते हैं एंड कोर्ट हैज टू परफॉर्म अ परफेक्ट कॉशन, राइट? देन योर कम सेक्शन 195. सो लेट्स डिस्कस सेक्शन 195. 195 किससे रिलेटेड है बच्चे? प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. लॉफुल अथॉरिटी जिसमें बाय पब्लिक सर्वेंट्स और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस. तो इनसे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनकी कॉग्निजेंस के बारे में हम सेक्शन 195 में बात करेंगे. ओके, सो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जितने भी क्राइम है आपने देखा हो IPC में, हम किस में पढ़े थे, 172 से 188 के अंदर IPC. बच्चे रिलेट करता है हर क्राइम, और ये सीरियस ऑफेंसेस है, इनके अगेंस्ट कैसे कग्निजेंस लिया जाता है तो आपको पहले ऑफेंस के बारे में पता होना चाहिए. गो टू द IPC प्लेलिस्ट एंड वॉच देम आपको, ताकि ऑफेंस के बारे में एक अच्छे से जानकारी हो. सो कॉग्निजेंस शैल नॉट बी टेकन अप SHO में फाइल कंप्लेंट, DCP में एज वेल, ठीक है? जब लॉफुल अथॉरिटी में ऑफेंस होता है तो आप डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो, इसमें SHO फाइल करते हैं कंप्लेंट या फिर DCP, राइट? सो आपने सेक्शन 193 टू 198, 199, 205 टू 211, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, हमारी ये सारे IPC के सेक्शंस हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है इसी में ही. सो इफ SHO हैज कंप्लेंट द सुपीरियर ऑफिसर कैन विड्रॉ द कंप्लेंट. ओके, लिमिटेशन इसकी एक है, एक्सेप्शन, नो विड्रॉल बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, एविडेंसेस हैज बीन टेकन अप ऑफ बोथ द पार्टीज एंड ओनली जुडिशियल माइंड हैज टू बी एज टू द जजमेंट इज टेकन. तो आप उसके पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हो, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होना चाहिए. देन योर सेक्शन 195A CRPC का, ये किसकी बात करता है? प्रोसीजर फॉर द विटनेसेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग, ठीक है? थ्रेटनिंग अ पर्सन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये आपका अमेंडमेंट से ऐड हुआ था इन 2009.
इट इज इनेबलिंग अ कंप्लेंट बाय विटनेस और एनी वन इन हिज बिहाफ। आपको कंप्लेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही कग्निजेंस लिया जाएगा इफ देयर इज अ थ्रेट टू द पर्सन गिविंग फॉल्स एविडेंस। ओके, सेक्शन 196, 196 टॉक्स अबाउट ऑफ सीआरपीसी। इट टॉक्स अबाउट प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंसेज। अगर स्टेट के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो उस केस में क्या होता है? देखिए, इसमें क्या है, सेंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड टू बी टेकन। क्लोज वन ये कहता है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेंशन्ड, ऑल्सो ओनली कॉन्स्पिरेसी ही हो। ठीक है, तो आपको पहले सेंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होगा। 196 क्लोज टू रिलेट्स टू दी 120 बी, दैट इज कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ आईपीसी। राइट, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पनिशमेंट्स क्या होती है, डेथ दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, ओके, या रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होती है। बट इन सेक्शन 195 इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक परमिशन। ठीक है, आपको 195 में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट 196 में आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एज मेंशन पहले एक सेंक्शन लेना पड़ेगा। ओके, 120 बी आईपीसी में कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, तो इसका क्लोज वन कहता है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस गिवन डेथ क्या होती है, इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट या रिगोरियस इंप्रिजनमेंट। रिगोरियस इंप्रिजनमेंट होती है ग्रेटर देन 2 ईयर्स। ओके, क्लोज टू, ये हमारा क्लोज वन की बात करता है। क्लोज टू में क्या है, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस बट दैट ऑफेंस की पनिशमेंट लेस देन 2 ईयर्स होती है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड दैट इज सिविल रोंग, सो नो परमिशन और कंसेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको क्लोज टू में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं है, बट क्लोज वन में जब रिगोरियस इंप्रिजनमेंट देनी है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, रिटन कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और डीएम टू एक्ट एज सेफ्टी वेल्व। ओके, तो आपको उनका एक रिटन कंसेंट चाहिए ही चाहिए। अब देखो, इन सब में आपका सेक्शन 197 नहीं हुआ अभी। 197 क्या बात करता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि जजेस के खिलाफ ही अगर प्रोसिक्यूशन करना हो, सो टू प्रोसिक्यूट अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट का सर्वेंट है और आपको उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करना है, वन हैज टू टेक सेंक्शन कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले उनकी कंसेंट लेनी जरूरी है। ओनली गवर्नमेंट कैन रिमूव हिम एंड इफ ही हैज कमिटेड एनी रॉन्ग इन पब्लिक ड्यूटी गवर्नमेंट कैन रिमूव। ओके, तो उनको रिमूव करने का हक सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उन्होंने कोई रॉन्ग किया है ड्यूरिंग द पब्लिक ड्यूटी, दे कैन रिमूव हिम। ओके, कोर्ट शैल नॉट टेक एक्शन अनलेस देर इज अ सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट नॉट टेकन। इसका एक प्रोविजो है बच्चे, इफ इन प्रेजिडेंट्स रूल, अगर प्रेजिडेंट का रूल था, देन द स्टेट ऑफिस ऑफिसर्स एंड सेंट्रल सर्वेंट्स सेंक्शन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेजिडेंट रूल में यू हैव टू टेक द सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, प्रेजिडेंट रूल में। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। रिक्वायर टू ऑब्टेन सेंक्शन वेन ही हैज कमिटेड ऑफेंसेज इन ऑफिशियल कैपेसिटी या ड्यूटी। अगर पर्सनल कैपेसिटी में किया है तब आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट हिम। बट इफ एनी क्राइम और ऑफेंस इज कमिटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी और ऑफिशियल कैपेसिटी, देन द वन मैंडेटरी थिंग यू हैव टू डू इज टू टेक प्रीवियस सेंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, सो वी हैव डन सेक्शन 195 टू 199 टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस अपॉन टेकिंग कॉग्निजेंस। सो दीज आर द वेरियस थिंग। 195 में बच्चे हमने बात करी when there are contempts of lawful authority or public servants, 195A witness in case of threatening, then 196 में हमने बात करी offences against state and criminal conspiracies, 197 just we did if prosecution is taken against judges and public servants, 198 में हमने बात करी offences against marriage, right, then 199 was prosecution for the defamation, the very first we did. Okay, so give a brief reading of all these sections, read their case judgment cases. Okay, very very important.
स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिमिटेशंस ऑन टेकिंग द कॉग्निजेंस. दीज आर द कंडीशंस थी. अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशन क्या होती है, हमें कॉग्निजेंस लेते हुए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एक सिटिंग जज को एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज को. राइट, सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ गुड डे. थैंक यू.